ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ ट्रिपल सी तरफ आप 2417 वैकेंसी रहउछे जुलाई मासे तो बहुत जन कमेंट करछन्ती ओ ट्रिपल सी रो अपकमिंग वैकेंसी कोन रहउछी अपकमिंग नोटिफिकेशन कोन रहउछी तो मो आपन को कहबा पई चाहउछी जुलाई मासे ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ ट्रिपल सी तरफ 2417 वैकेंसी आपन को रिलीज हो पई जाउछी तो को वैकेंसी रहउछी केबे ऑनलाइन आवेदन करि परबे एग्जामिनेशन डेट केबे रहउछी डिटेल से डिस्कशन करबा ए वीडियो माध्यम तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जदि चैनल को नुवा आछंती एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऊपर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को मध्य ऑन कर दंतु समस्त जॉब नोटिफिकेशन अप्लाई ट्यूटोरियल आपन माने एही चैनल माध्यम रे पाइ परिबे तो नोटिस टी आपन देखंतु ओडिसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो ऑफिशियल साइट को आपन जिवे रिक्वायरमेंट सेक्शन ऊपर क्लिक करले रिक्रूटमेंट कैलेंडर रहउसी एहार ऊपर आपन क्लिक करिवे जेमिति रिक्रूटमेंट कैलेंडर ऊपर क्लिक करिवे तळ को स्क्रॉल करिवे तळ को स्क्रॉल कला पर देखिवे 13 नंबर वैकेंसी 14 नंबर वैकेंसी 15 नंबर एवं 16 नंबर वैकेंसी रहउसी आपन मानको पई ए जुलाई मास रे तो वैकेंसी कोन रहउसी लैबोरेटरी टेक्नीशियन रहउसी 921 वैकेंसी जुलाई 2023 रे रिलीज होबो रेडियोग्राफर रहउछि 378 जुलाई 2023 पई फॉरेस्ट गार्ड रहउछि 802 जुलाई 2023 पई फॉरेस्टर रहउछि 316 जुलाई 2023 पई केतेटा वैकेंसी एग्जामिनेशन डेट मते आसे सर छि देखंतु लैबोरेटरी टेक्नीशियन पई आपनकर जुलाई 2023 रे नोटिफिकेशन रिलीज होबो किंतु एग्जैक्ट डेट आपनकर नोटिफिकेशन डेट रिलीज हेनी केबे आपन आवेदन करि परिबे किंतु एग्जामिनेशन डेट रिलीज हेछि सेप्टेम्बर मास रे हि आपनकर एग्जामिनेशन रहइबो एवं रेडियोग्राफर पर रहउछि जुलाई 2023 रे आसीबो 378 वैकेंसी यार मते ऑनलाइन एप्लीकेशन रो डेट रिलीज हेनी ये रहउछि आपन मानको पई नोटिफिकेशन जुलाई मास रे ओडिसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ ट्रिपल एस तरफ रिलीज होतो आपनकर वैकेंसी लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन सर्वप्रथम पाइबा पई ए वैकेंसी नोटिफिकेशन पाइबा पई एबे फाइंडर्स ऑफ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऊपर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु तो जॉब नोटिफिकेशन अप्लाई ट्यूटोरियल आप माने इस चैनल माध्यम रे पाई परिबे यदि इन्फॉर्मेशन टी आपन को भल लागी थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नी।